तो गाइस आज हम बात कर लेते हैं डॉजी क्वाइन के बारे में। तो जैसा कि गाइस आप जानते हो कि आज की एलोन मस्क ने ट्वीट कर दिया और ट्वीट का असर थोड़ा बहुत तो पड़ा है और हमेशा ही पड़ता है। और आज हम इसका प्राइस देख लेते हैं। अभी फ़िलहाल में इसकी जो प्राइस चल रही है वो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ। डॉजी क्वाइन वो लगभग 27 रुपये चल रही है, जबकि सुबह में 20 रुपये के आसपास चली गई थी। तो गाइस जैसा कि यहाँ पे मैं बता दूँ कि हमेशा जब इलोन मस्क ट्वीट करते हैं तो इसकी जो प्राइस है हमेशा बढ़ जाती है। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये बात पता चले। तो इलोन मस्क ने क्या ट्वीट किया तो वो मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ गाइस देख सकते हो कि इलोन मस्क का ही ट्विटर हैंडल है और यहाँ पे 50.58 मिलियन सब्सक्राइबर हैं उनके, मतलब फॉलोअर्स। और उन्होंने ट्वीट तो कुछ नहीं किया, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो इन्होंने अपने यहाँ पे दिखाया था कि ये वो हैं मीपे और डॉग भगवान है और डॉग हमें आशीर्वाद दे रहे हैं ताकि वो बढ़ सके। तो यहाँ पे हम बैक आ जाते हैं और ट्वीट एंड रिप्लाई में आते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो जो डॉजी क्वाइन का इमेज है, देखो यह लगभग 7 घंटे पहले का है और मैं पुराना नहीं दिखा रही, देख लो आप 7 घंटे पहले का। और उन्हीं का ये हैंडल है 50.8 मिलियन का। तो ये देखो यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो ये जो है डॉग है, डॉजी है और ऊपर जो नोट दिख रहा है वो $1 का है। तो ये दिखाना चाहते हैं कि जो डॉजी डॉग है उसको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, $1 को वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है, $1 को भी टच नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसको कोई नीचे से व्हील्स पकड़ ली है और वो ऊपर नहीं टच कर पा रहा है। तो अगर ये टच कर लेता है तो गाइस अगर आपको प्रॉफिट इसमें हो जाता है तो आप पैसा ले के निकल जाओ, क्योंकि देखो ये गाइस ये बहुत रिस्की प्रोजेक्ट है। मीम कॉइन इज कॉल टू रिस्की, ठीक है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको अगर लॉस हो रहा है, क्योंकि कई लोगों ने बहुत पूरे हाई ऑल टाइम हाई पे बाई कर लिया 58 रुपये के समथिंग। तो मैंने जब ये गिरा था तो लगभग मैंने इसको 40 रुपीज़ पर बाई किया गाइस, मैं अपना सच बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपका भी लॉस हो रहा है, मेरा भी लॉस हो रहा है, मैंने भारी भरकम अमाउंट लगाया था इसमें तो इसमें मेरा भी लॉस हो रहा था तो मैंने होल्ड कर दिया भाई। मैंने कहा कि गया तो गया भाई, पछतावा नहीं करना है हमें, और आया तो आ जाएगा भाई, पूरा आ जाएगा, उससे अधिक ही आ जाएगा। तो यहाँ पर प्राइस हम देख लेते हैं, इसकी जो ग्राफ देख रहे हो यहाँ पर, देखो इसकी ग्राफ जो है यहाँ पर वॉल्यूम भी आपको मैं दिखा देता हूँ, इधर यहाँ पे वॉल्यूम मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे इसका वॉल्यूम है, तो यहाँ पे देख सकते हो सेल भी हुआ है बाई भी हुआ है, सेल ज़्यादा नहीं हुआ है बाई ज़्यादा हुआ है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो इसकी प्राइस है वो बढ़ गई है। तो अगर आपको और कुछ जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो आपको रोज़ मिल सके। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।